हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे सीट जुलाई दो हजार तेईस एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और आज का क्लास के अंदर हम लोग नौ जनवरी दो हज़ार तेईस का पेपर टू का थर्टी क्वेश्चन सी डी का डिस्कस करेंगे इस वीडियो का पी या फिर आप सभी को इसका आंसर की टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है हुए एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट डील्स विद एक्वेशन ऑफ स्किल वैल्यू एंड एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी एंड द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप सभी को बताना है डेवलपमेंट का कौन सा एस्पेक्ट जो है ये जुड़ा रहता है एक्वेशन ऑफ स्किल वैल्यू और एटीट्यूड के साथ उसका नाम है सोशल डेवलपमेंट तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुइच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एक चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट में कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है हेरिटरी करता है फिजिकल इन्वायरमेंट भी करता है सोशल कॉन्टेक्स्ट भी करता है इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर वन टू थ्री इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेस इज द प्रोसेस इन विच ए चाइल्ड पिक्स अप सोशल स्किल आइडिया एंड वैल्यूज थ्रू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स टीचर्स पियर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसके अंदर चाइल्ड जो है सोशल स्किल सीखता है आइडिया सीखता है पेरेंट्स से टीचर से पियर्स से उसको कहा जाता है सोशलाइजेशन तो so, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पी थ्योरी द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रेन आइदर मॉडिफाई मोडिफाइड दर स्कीमा और मेक न्यू वांस ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इन्वॉयरमेंट यानी पियाजी का उस थ्योरी के अंदर उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिसके अंदर चाइल्ड जो है मॉडिफाई करता है स्कीमा को या फिर नया चीज़ को ऐड करता है उसको कहा जाता है एडप्टेशन तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग तो टू जिन पियाजी चिल्ड्रेन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन थिंक लॉजिकली बट डिफिकल्टी इन यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर चिल्ड्रेन जो है लॉजिकली थिंक कर पाते हैं लेकिन क्या चीज के अंदर डिफिकल्टी फेस करते हैं जिसके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करना पड़े उसके अंदर डिफिकल्ट फील करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोलबर्कस एट विच स्टेज जो चिल्ड्रेन सीज रूल्स एज फिक्स एंड एब्सोलूट तो कोलबर्कस का कौन सा स्टेज के अंदर चिल्ड्रेन जो है रूल को फिक्स और एब्सोलूट मानते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन के अंदर तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सोशियल सोशियल कॉन्स्ट्रक्टिव थ्योरीज इनमें से किसको सोशल कॉन्स्ट्रक्टिव थ्योरी का फॉलोअर माना जाता है उनका नाम है लेबाइगोस्की तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट इन ए क्लास आर वर्किंग इन ए ग्रुप टू अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर ग्रुप के अंदर काम करते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वैन टीचर ऑब्जर्व डेट ऑल मेंबर ऑफ ए ग्रुप आर नॉट एबल टू मूव फर्दर इन देयर अंडरस्टैंडिंग टीचर हेल्प देम बाई गिविंग प्रॉम्प्ट एंड क्यूज एंड देन लिवस देम अगेन टू देयर ऑन तब जो है टीचर क्या करते हैं उन बच्चों को थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा बहुत मदद करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं खुद अपने आप करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है इसके अंदर टीचर जो है क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एसके फोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू एसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आप सभी को ले बाइकोसकी का थ्योरी के अंदर मिल जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज करैक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव एजुकेशन का या प्रोग्रेसिव क्लासरूम का क्या करैक्टर है मोबाइल टीचर है फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग भी है ऑटोनोमेट चिल्ड्रेन भी है प्रोविजनिंग ए लॉट ऑफ मटेरियल भी है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर वन टू तो, थ्री फोर चारों सही है नेक्स्ट क्वेश्चन in है एबिलिटी इन डेस इंक्लूड मैनिपुलेटिंग इमेज ग्राफिक स्किल एंड रीजनिंग एनीथिंग डैट वुड इंक्लूड मोर देन टू डायमेंशन उसको कहा जाता है स्पेशल इंटेलिजेंस तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट जो है इंटर रिलेटेड है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड हु इज़ फादर एंड मदर परफॉर्मिंग नॉन कन्फर्मिस्ट जेंडर रोल इज लाइकली टू एक चाइल्ड यदि फादर एंड मदर को नॉन कंफॉर्मिंग जेंडर रोल प्ले करते हुए देखेगा तो वो जो है क्वेश्चन करेगा ट्रेडिशनल जेंडर रोल के बारे में तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैटर डाइवर्सिटी इन क्लासरूम में टीचर नीड टू डाइवर्सिटी को कैटर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए सेंसिटिव होना चाहिए सोशल कल्चर बैकग्राउंड के बारे में तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकस ऑफ असेसमेंट नीड्स टू बी असेसमेंट का फोकस किसके ऊपर होना चाहिए लर्निंग का एनेसमेंट के ऊपर तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन असेसमेंट जो है समेटिव और फॉर्मेटिव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्सन और रीजन बेस एसर्सन में दिया है ए वैराइटी ऑफ मेथड एंड टूल्स शुड बी यूज टू असेस चिल्ड्रंस लर्निंग एज वेल एज प्रोग्रेस यानी लर्निंग और प्रोग्रेस जाने के लिए अलग अलग मेथड और टूल का यूज़ किया जा सकता है एसर्सन बिल्कुल सही है रीजन देखते हैं नो सिंगल मेथड ऑफ़ असेसमेंट इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड इन डिफरेंट एरिया ऑफ डेवलपमेंट यानी कोई ऐसा सिंगल मेथड नहीं है जो कि असेसमेंट को अच्छा यानी कॉम्प्रहेंसिव बना सकता है यहाँ पे जो रीजन दिया है ये भी सही दिया है तो बहुत ए एन आर यहाँ पे सही है और आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए है इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर क्वेश्चनिंग एसटीओ टाइपिंग और प्रेजस्टिस इन्वॉल्व होता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन स्टडीज कैन हेल्प इन इंस्कलूशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप कौन सा इंटरवेंशन स्टडीज जो हेल्प करेगा इंसक्लूसन करने में सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को पेशेंसली लिसनिंग टू ऑल चिल्ड्रेन वॉइस इसके थ्रू तो जो है सोशली डिस्प्लेन ग्रुप को हम लोग इंस्पोलेशन कर सकते हैं तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑमिशन ऑफ वर्ड्स इन रिटेन वर्क स्लो कॉपिंग पेस डिफिकल्टी इन राइटिंग और आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक्सअप ये जो दिया है यहाँ पे कॉपी नहीं कर पाना डिफिकल्ट फेस करना लिखने में एक किसका करेक्टर है डिस्ग्राफिया का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन